आप सब आप रो प्रेम हमेशा कोई भी चुनाव लिया हुआ छोटा मोटा इलेक्शन में हुआ इलेक्शन जिला परिषद रहा पंचायत समिति रहा एमएलए रहा और एमपी रहा चुनाव सब में आप आशीर्वाद बराबर मिल गए अच्छी मेहनत करें जो भी वोट अन्य जगह तो अच्छा वोट प्राप्त हुआ सब जगह तो हमेशा आप लोग आशीर्वाद रखिए प्रेम रखिए समर्थन रखिए आप लोग कोई कमी नहीं रखी आप लोग हमारे प्रति पार्टी के प्रति चुनाव में देवाए बस कमी थोड़ी घनी रह रही और वो लकी वोट हुए तकदीर में तो पूरे हुए तो नहीं अब पिछली बार एमएलए चुनाव हुआ बात 3400 वोटर फर्क रही हो कल 2000 वोट हो तो नजारो अलग वोट गोम में मारो आप रहो सब रहो पर राजनीति में वो अलग बात है हार जीत भी वे सब वे मगर कौम करवा रहा बंद नहीं बैठो कोई भी राजनीति आदमी नहीं और आप लोगों को धन्यवाद है काफी जिन्होंने जिन्होंने 10 साल एमएलए साहब ने पूरी मेहनत करें जिताया कोई लिदू भी नहीं वे और मेहनत कराओ कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोग वोट दे रहा हूँ मैं तो ठाकुर जी अनारू ध्यान नहीं है कि वोट जो है कतरा दूरा मले होना क्योंकि वोट और जाजम जो है वे वसा वाला ही वसा होता था हुरा वावे उन्होंने ठा नहीं पड़ता था घर रो तेल कतरो बाली हुए मैं मनक लाया है जाजम वसाई वोट दिलाया है किकन जीता है वो अपन ध्यान पड़े कि अपने 10 साल थी दोनों एमएलए का चुनाव नहीं जीतिया संघर्ष करो हो वोट मांगो हो तो अपन ध्यान है बने वोट को आपने सुराव में भी वरण भी वोट देवा में स्थापित करवा में कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोग और बदला में वनो आपने गांव में काम करावा में कोई कमी नहीं छोड़ी एमएलए कोटा मन कोई कहता तो 50 लाख करोड़ रुपया तो एमएलए कोटा दे दिया गांव में आपने दीदा ही हम तो कोई कहता तो दीदा ही 50 लाख करोड़ रुपया खर्च की तो एमएलए कोटा कोई सभा भवन ने कोई डमर इनावी रोड ने 50 लाख की एक टंकी बनाई है कोई वो है नहीं बनाया तो बनने कि मुंह झूठ बोलू और आप गांव रहा हो देवतुल्य लोग हो सब तो आप खुद भी तो क्यों हो 10 साल एमएलए कोटे में 20-25 करोड़ रुपया मलिया हुई कम से कम तो 10 साल में 20-25 करोड़ रुपया मलिया है तो मनिया दियो ने वे घर तो ले नहीं गए तो 20-25 करोड़ जनवान भी दीदा है बनाओ दीदा तो वही कागज मत लखे आने गाँव में वो काम कराना आने गाँव में वो काम कराना है कागज मत लखी तो भी लखे तो दीदू ही और आप क्यों के अगर मन करने की हुए तो वे आके गलत बात है तो मन तो करने की हुए कि टंकी बनाई है एक डामर रोड दी दी है सभा भवन दी दो 20-25 लाख रो गाँव में मन को व्यवहार सब बात की तो आप ना दियो तो ना करे झूठी बात की थी पर दीदी नहीं तो दीदू क्यों नहीं वोट तो आप लोग धके रखता है अलग अलग है कि पूरी पंचायत फर्क गनावे रही आप लोगों ने और विशेषकर वे लोग जो 10-15 साल थी लगातार बनो रहे हारू धोड़े रही है वोट देना वे रही है जाजम वसावे रही हो आप लोग जो महत्वपूर्ण कुछ समाज रो लोग हो आप रे जाजम तीस बनो रही जाजम बैठी है आप लोग जीता है जरीश भाई हेवला पेरे आके मगर आप रही ग्राम पंचायत में ठेकेदार जो है वे अलग हुआ रहे जो ठेकेदार है वनों तरप्ती करे वोट थे दे रहा हो जीता हो थे और उठा भी है आप खुद कह रही हो मारे केवारी जरूरत नहीं है हैं थोड़े थोड़े बोरिंग थे कटे खोदाओ और पौनी जाए बीजों ढोने की बारी नहीं रही है जनन वे कौम में रखे अरे सुरावा पंचायत में हालात है और करो दी सफीड़ा नहीं मैं तो संघर्ष करें लड़ो हो बनो दी मोरे हो में तो नहीं लड़ो हो राजनीतिक पर आप लोग जो हो आप लोग तो मेहनत करें वोट भी तो दिलावे रही हो आप लोग तो मेहनत करें बूथ हुई वोट लावे रही हो वोट नोकावे रही हो सब लोग बिलावे तो बस आप लोगों ने क्यों नहीं बेतो है वो है कि जिन्होंने वोट देना है जिन्होंने वोट ही वे घने ही दे क्योंकि मन नहीं देना है मन में ही हुए और वोट देना अपन जीता भी और हुरावारी अगर कोई ठेकेदारी है कौम काजरी राजनीति री तो वो फलौना जना इस करी ने वनेरिस मोननी है वनरे अलावा कनोरी नहीं मोननी है आ बात आज नहीं 20 साल थी तो मो चुनाव लड़े रही हो 10-15 8 थी थोड़े अटे हुए घनी पंचायत में मनी हजम में बराबर आई है तो हमें आप रहा हजम है
ठेकेदारी कराने तो दियो तो वोट कोई ना नहीं है, कम खूब कराया वही ने वोट ठीक हले तो आप दो वोट बनो और एक व्यक्ति की ठेकेदारी खत्म करावनी है पंचायत में। और आप लोग जो मोहन समूह ने जो इज्जत है जनरेट करें आप लोग वोट दियो, वाह वोट मारे हारू मेहनत करें एक बार दियो। मुंह बने जो 15 साल अनो नहीं राखी वह इज्जत और मोहन समूह में आपने कमी नहीं राखू और ठेकेदारी बंद करो क्या आप पंचायत चर्चा मारे गम हकरो है हो जाए बात ठीक है पर जनों हाथ में दीदो है उन्होंने काम काज वो एडो न हो ठेट अपने जिला में पूरा आका जिला में भरे तो अतरो गम में गम तो वकना है थोड़ा खेड़ो जी आदमी वजह फर्स्ट नंबर है जिन्होंने गम उठी है गम एक लो नहीं जीव तो हमें घना जनों जोने रही है वो पहला कहते तो एडो नहीं है भाई ये खाली यूज थोन बर्गला भी है हमें आप देखो वोट है वो अपने फॉरम भरिया बंदाड़े फॉरम भरिया बंदाड़े जो भाषण दीदा है बनो है एमएलए साहब अपने क्षेत्र का एमएलए आदरणीय है मौर्य आरोपी अर्जुन सिंह जी देवड़ा वरिष्ठ नेता है पिता तुल्य है बनो भाषण दीदा पर एडो दुख हुआ कि मैंने कल्पना नहीं करता बनवारी वातावरण में पहले जवाब नहीं दीदो आज ही जवाब नहीं दीदो क्योंकि एक प्रत्येक एक एक व्यक्ति एक एक लोग विधानसभा क्षेत्र रह जोने के का वेरी उन का हाले नहीं तो उन्हें वातावरण मन जवाब नहीं देना है पर आवाज जरूर है कि दुख जरूर गई कि जीवन में कोई नहीं किधु हुए तो आप लोगों और कोई न कोई तो मैं भी किधु हुई तो बस खराब बोलवा थी कोई नहीं बैठो है पर अगर एमएलए साहब चाहे या कोई भी चाहे कि एक चुनाव वगैरह निपटे तो बस बगावर आटा थी तो मैं पहले ही क्यों तो आज भी को चुनाव आवी जाई हार जीत रही सरकार बनी बिगड़ी राजनीति होन जतरे आप चाहे उन्हें शरीर में ताके ने बता तो कोई बीजो तो कोई भगावे नहीं आता भगावो तो आप लोग भगावो को यह लोग नहीं भगावे आते आप गलत फहमियां ना दूर थी दिमाग थी निकाल दे सब लोग पर मैं तो सम्मान करो मोटा आदमी उन्होंने अनारो बोलवाती का मतलब जनता देखे रही है वे अपना निर्णय ली और जने लोगों आप लोग 10 साल 15 साल मेहनत करें 10 साल जने लोगों भरपूर वोट दे के इज्जत दें घर घाले ने जिताया उन लोगों वे आप लोगों होश में है आप ध्यान रख दो केकड़ो रे मन में संकट आयो है क्यों हो जाए एक हुए वो आप लोगों ने देखना है और आप फैसला ठीक कर दो ताकि आप समाज और स्वाभिमान रहे अच्छो निर्णय वे और खुद रे तकलीफ आवे जरिस बात रहे मुँह कहता था हमेशा मने कहता था कि मो टिकट नहीं मांगा देता मन कौन झगड़ा करे ना प्रचार करता बदनाम करवा रो अनोरी टीम पूरी पर 15 साल में पहली बार तो टिकट मांगी भाई मंजी राम जी और रूख सिंह जी और वन दिन में मीटिंग हुई हॉल का समाचार आया कि पोस्टर फाड़ा पोस्ट तो खुद फड़ावे मारे खिलाफ भी आरोप लगावे पर वे तो बनो टिकट मांगी है और वटे पोस्टर फाड़ी है थोड़ा ने समाज रहा आदमी रिपोर्ट दी दिया थोड़ा मैं जसुपुरा में तो खुद रे तकलीफ आवे और अतरा जना मले ना आपने जितावे ना अतरा साल वोट दीदा बनो लोगी तो टिकट मांगी तो का हुआ टिकट मोरे टे मांगी है कोनन कोई सुई नहीं की जो है आमंत्रित है आज भी जज माते आवे सब कॉम माते लागो पहले की तो आज एक हो मुंह अतरो विश्वास दिलाओ आपने पहले एक बात हुई 10 साल आपरे गांव में एक एमएलए कोटा रो पियो नहीं आयो और आए हुए तो मने जानकारी मैंने सोने सबके कनोंता दीदा वे और कोई काम करावा हरू तो ये अलग बात है तो कभी मांग होगा और आप लोगों ने पूछना चाहिए लोकतंत्र में आपने मनिए पूछना चाहिए कि आप एमएलए हो 5 साल का की दो आप रो फर्ज बने पहला पूछ ही दो कभी पेशी रही तो चुनाव आ रही होगा हमारे गोड़े तो बतावा है कि 10 साल मेका की दो है 10 साल कोई पद नहीं तो कोई चुनाव नहीं जीतिया मगर आपने वश में रहवा रो फरवा रो कोई कमी नहीं छोड़ी जो व्यक्ति कोई समाज बिरादरी थी मारे गोड़े आयो पन कभी नहीं पूछू कि थी वोट मन दीदो है कि नहीं दीदो है मने रो कौ मारू मारे तरफ थी मैं पूरा प्रयास किया हरोड़ा आदमी की कोई कमी नहीं आवे और मने कमी में कोई कसर भी नहीं राखी आगे भी नहीं राखो वो तो मारो लेको जो कुछ आप पूछो कर मैं बताऊँ आपको पर जो जीतोड़ा आदमी बना तो उन्होंने बनता पड़ी पर हालात जन हिसाब से सुरावा ग्राम पंचायत में है आप सब ने मन में ध्योने मन के बारे जरूरत नहीं ठीक नहीं है व्यवस्था है मेहनत कोई करे वोट कोई दे रहा है जीतो कनोरी वजह थी ने पसे ढप करें में बीजा बेरा
और वनोरा अलावा बीजू वाली बात माननी नहीं, तो अंति आप जो समाज रहा लोग या बीजा लोग जो वोट दे रहे हो आपने भविष्य पीढ़ी हारू भी वो ठीक नहीं है, आप लोग हारू भी अनु आप लोग ने निवेदन है आप लोग इसको विश्वास दिलाओ और विश्वास रखो, आशीर्वाद प्रदान करो, आप लोगों की भावना है मन है उनके सब रो। तो जो लोग 10-15 साल में मान लो मैंने कभी वोट नहीं दिया है और जो लोग मरे खिलाफ रहे धकला जीता है मेहनत करें आप लोग फर्ज बनता था हाथी दादो और बना जीता है आप लोग तो वो आशीर्वाद ने मेहनत 1-5 साल देवा हारू एक बार मरे हारू करो आशीर्वाद दो जीताओ तो वने 5 साल में मैं ही कॉक करें आपने बताओ हो को और आपने 10 साल रो 5 साल रो फर्क नजर आ गया 10 साल ने 5 साल रो फर्क नजर आ गया ने आपने वश में हाथ जोड़े में जाओ क्योंकि मात का है भाई देखो मुँह एकलो फरो प्रसार करो आपने पहला 12 महीना 5 साल 10 साल बात कर जाओ और ज्यादा ज्यादा प्रसार 1-2 दिना में घर लगा कर दियो मन के अगर तक आए रात रहा रोज रात रहा हवाला हम छर आई कि 10 गाड़ियों हमें आई 10 गाड़ी 2 दाड़ा बाद आई दबाव देवान 10 गाड़ी 4 घंटा बाद आई फूल दबाव देवान माफी मांगवान वो करवान तो बस माफी मांगवा रो टाइम एडो क्यों आवे रही हो 10 साल ऐसा धतीन करे रही है करवा दो मन रहे मन में जो लोगों ने भाई वो करी मुँह आपने तो इसमें वो टाइम जो गियो 10 साल वो भूलो नहीं आ तो अनारी प्रतिस्पर्धा है अनान लागे अगर राज आवी राज आओ तो नहीं है राज कांग्रेस में आवे रही है पर अनान लागे अगर राज आवी तो मेहनत करो कौन बने भीनमाल वालों मंत्री बने रोनी वाड़ा वालों बने या हाथसुर वाला बने हमें ध्यान में लगाए और मैं लगा हाथ जोड़े कि राज कांग्रेस रो बने रही है 10 साल गियरा समय एक बार जीतावे 5 साल दियो तो बने कांग्रेस ने राज में 5 साल और मजबूती थी आपकी सेवा करो को बने में लगा तो मैं आपने वही निवेदन करूं और आपने विश्वास दिलाऊं कि तो 10 साल हुआ 10 साल में आई थी 10 साल पहला जने वो चुनाव मुँह आ रही हो जने मारी उम्र ही 37 साल थी MLA बने जने उम्र 35 साल थी और आज 10 साल बाद में भी उम्र में 10 साल बढ़ोतरी हुई है तो कई चीज़ों में भी हजमी है ही की है गलतियां कटे हुई है कने करें समाज और है और लोगों ने वश में दूरियां बढ़ाई है खाली वोट ले जीतवा रू तमाम चीज़ों हमारी जानकारी में भी आई है और आत्म मंथन में की दो तो हमें जो एक बार आप लोग गड्डू पार करा हुई हो तो बने रहे अनुभव रहे आधार माते कौम गई कोई शिकायत और अवसर भी आपने प्राप्त नहीं हुए और जो आपकी भावनाओं नहीं रही हुए आपकी जो कौम काज है वह नहीं रिया हुई बने भी पूरा करें पूरी करवा की कोशिश करूँ और 10 साल आप व्यक्ति ने दीदा रहे तो पसे 5 साल मन देना चाहिए ताकि वह 5 साल अगर हारेन बे तो थोड़ा मेहनत खतरी करी और पासा नवा सरा थी शुरू करी तो बनोरी जो गलतियाँ हुई ठा पड़ी हुरावा मावी के भाई गलती हुई नहीं दीदो 10 साल में एक फ्रोना जीरो होनी हो बनोरू बीजो रे आपने नहीं होने थे वोट देवा वाला तो वनोन भी आपास हुई और मैंने 5 साल मौको मिली सेवा करवा रो आप लोगों रो मन में गलती हुई तो आप पास हो मन 5 साल बाद बताइए रहा कि भाई कोई नहीं कीधु छोड़ो बात थोड़ी यहाँ नहीं बढ़िया कीधु कौन तो भाई हूँ तो 10 साल दीदा है तो 5 साल में कोई फर्क नहीं है मैं आपने अतर निवेदन करूँ और आप आशीर्वाद प्रदान कराओ और हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं आवे कौम काजे दिल्ली व्यवहार होती कोई तकलीफ नहीं आवे और आप आशीर्वाद थी जीतेन कांग्रेस की सरकार भी बनी और बढ़िया दबाव इन काम करी है पेम्पलेट अपने हाथ में है जो गारंटी योजना दी थी साथ अनेरो कैंप भी लोगी अन में नंबर दी दौड़ा है वन में आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कराओ रो ताकि जो भी साथ योजनाएं हैं और वन योजना जो लाभ है वो आप लोगों ने प्राप्त हो गया के वो काम भी आप साथ कर दो राजस्थान ने हिंदुस्तान में अति बढ़िया व्यवस्था सरकार कभी नहीं की दी है जो आपने गारंटी कार्ड जो हमें आपने वितरित किया है वन में देखे आप वो सो कर दो आप सब रो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय कांग्रेस।